अमरूद को ज़्यादातर जनूबी एशियाई मुल्कों जैसे इंडिया पाकिस्तान और ब्राज़ील में ज़्यादा काश्त किया जाता है पूरी दुनिया में अमरूद की पैदावार में इंडिया पहले नंबर पर जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर है यह पाकिस्तान के तमाम सूबों में आसानी से काश्त होता है जिनमें शेखपुर हैदराबाद लारकाना मुल्तान सरगोदा गुजरावाला लाहौर फैसलाबाद और डेरा इसमाईल खाम वगैरह के इलाके शामिल हैं जायके के लिहाज से शेखपुर के अमरूद पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं इसीलिए मैंने यहाँ की एक लोकल नर्सरी से अपने टेरेस गार्डन के लिए एक अमरूद का पौधा लिया है आज की वीडियो में मैं आपको शेखपुर के बाग का विज़िट करवाऊँगा सो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टेरेस गार्डनिंग जोन है गज़ाई एतबार से अमरूद को विटामिन सी का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसके 100 ग्राम फल में 280 मिलीग्राम विटामिन सी के अलावा विटामिन ए फास्फोरस, चूना और फौलाद भी शामिल हैं अमरूद के पौधे गर्म इलाक़ों में कामयाबी से काश्त किए जाते हैं इनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत अच्छा है ये बहुत हार्ड प्लांट है इसीलिए इसे ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है लेकिन छोटे पौधे ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसीलिए पहले दो तीन साल तक सर्दी से बचाव का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अमरूद का फल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन एक लाख चौतालीस हजार पाँच सौ छप्पन एकड़ पर काश्त किया जा रहा है जिससे तकरीबन चार सौ सत्तर हज़ार टन सालाना पैदावार हासिल होती है पाकिस्तान में अमरूद की फी एकर पैदावार पच्चीस से तीस मन है जो कि इसकी पैदावारी सलाहियत से बहुत कम है चूँकि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुलक नहीं है इसीलिए यहाँ पर फसल की कटाई से लेकर मंडी रसाई तक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अमरूद के फल को तोड़ने के लिए रवायती तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो फल पूरी तरह से पक चुका हो वो ज़मीन पर गिरते ही ख़राब हो जाता है और जो अभी दरमिया हालत में हो वो बेहतर क्वालिटी की पैकिंग ना होने की वजह से मंडी तक पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाता है क्योंकि ट्रकों में इस किस्म की सहूलियात नहीं होती कि फल को मुनासिब दर्जा हरारत नमी और आबो हवा मुहैया की जा सके जिसकी वजह से फल के गलने सन्ने का ख़तरा ज़्यादा होता है और इस तरह पूरे पाकिस्तान में अमरूद की कुल पैदावार का 20 से 30 फीसद फल इन मराहल में ज़ाया हो जाता है अमरूद के पौधे साल में दो दफ़ा फल देते हैं इसीलिए इन्हें काफ़ी मकदार में खाद की ज़रूरत होती है अमरूद के पौधे को साल में दो दफा खाद देनी चाहिए एक गर्मियों में फल तोड़ने के बाद और दूसरा सर्दियों में फल आने से पहले और खाद को हमेशा तने से एक से दो फीट दूर ही डालें हमारे यहाँ ज्यादातर अमरूद को सीड से काश्त किया जाता है ताज़ा बीजों का उगाव बेहतर होता है लेकिन इनका छिलका काफ़ी सख्त होता है जिसकी वजह से बीज उगने में दिक्कत पेश आती है लिहाजा ज़्यादा उगाव हासिल करने के लिए अमरूद के बीज को 10 से 15 रोज के लिए पानी में रखें और हर रोज़ पानी बदलते रहें इसके अलावा अमरूद के पौधे की प्रोपागेशन एयरलेरिंग और कटिंग से भी की जा सकती है व्यूवर्स अगर आप मुनासिब जगह ना होने की वजह से अमरूद के पौधे को गमलों में उगाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐसे पोट का इंतखब करें जो अमरूद के जड़ के निज़ाम को तरक्की देने के लिए काफ़ी वसी हो और इसका ड्रेनेज होल प्रॉपर वर्क करता हो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने इस पौधे के लिए एक चौबीस इंच का पोट सेलेक्ट किया है अमरूद के पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां रोज़ाना कम से कम छः से आठ घंटे की सूरज की रोशनी ज़रूर आए लेकिन जून और जुलाई की सख्त गर्मी में छोटे पौधों को दोपहर की तेज़ धूप से बचाना भी ज़रूरी है बाकायदगी से कटाई पौधे की शक्ल को बरकरार रखने में मदद करती है और शाखों को फरोख देती है इसके अलावा फल की पैदावार को भी बेहतर बनाती है मुर्दा या बीमार शाखों को हटा दें और साइज़ को कंट्रोल करने के लिए कटाई करें अमरूद के पौधों पर साल में दो बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है फरवरी या बहार के फूलों को अम्बे बहार कहा जाता है और इससे फल जनवरी से सितंबर के दरमियान यानी बरसात के मौसम में फल हासिल होता है और बिल्कुल इसी तरह दूसरी बार मॉनसून के फूल को मरीगे बहार कहा जाता है और इससे फल नवंबर से मार्च के दौरान हासिल होता है पोर्ट में लगे मेरे इस पौधे की एज अभी बहुत छोटी है और इससे फल लेने में हमें एक से दो साल इंतज़ार करना पड़ेगा शायद इसीलिए कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है सो so फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर भी ज़रूर करें आपके सपोर्ट का दिल से शुक्रिया मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बंदे को दें इजाज़त खुदा हाफिज